दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर हमलावर रहा है और हमेशा से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाता रहा है, लेकिन इसका असर ना तो चुनाव आयोग के ऊपर कोई पड़ा है ना फिर इसका असर जो है बीजेपी के ऊपर पड़ा है। लेकिन आज मैं आपको ब्रेकिंग खबर बता रहा हूँ दोस्तों, बीजेपी की तरफ से यह कबूल कर लिया गया है कि हाँ ईवीएम में गलती हो सकती है। आखिर ये पूरा मामला है क्या दोस्तों, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में ईवीएम से चुनाव ना हो और ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसका कोई अच्छा खासा असर चुनाव आयोग के ऊपर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी को जैसा कि आप सभी को पता है तीखे हमलों के बारे में जाना जाता है और काफी उनके बयानों से वो विवाद में भी रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक अच्छी बात कही है जो कि ईवीएम को लेकर रखे है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिए थे, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं और दिग्गज नेता भी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को यानी कि ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वहीं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में धांधली की जा सकती है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो सवाल मैं पहले से उठा रहा हूं विपक्ष वो सवालों को और उस चीज़ को अब उठा रहा है, काश ये पहले किया होता तो ये सब अंजाम भुगतना ना पड़ता। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, एक महीना हो गया है, लेकिन विपक्ष ईवीएम पर आज भी सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी के सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और बैलेट पेपर से चुनाव की सिफारिश भी की, और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने ईवीएम को लेकर के हमले किए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह कहना कि हां ईवीएम में धांधली और गड़बड़ी की जा सकती है सुब्रमण्यम के द्वारा, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और हां अगर इसका असर चुनाव आयोग पर पड़ता है तो हमारे देश से ईवीएम को बैन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि ईवीएम हमारे देश से बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।